दोस्तों, मैं देवेंद्र गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का एग्रीकल्चर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान श्री गोविंदम क्लासेज पर। दोस्तों, लॉकडाउन के समय पर हमने श्री गोविंदम क्लासेज के फ्री ऐप के माध्यम से 5000 से भी अधिक विद्यार्थियों को फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया है। उनको डेली लाइव क्लासेज दी हैं, डेली क्विज दी हैं, ताकि जेड का एग्जाम जो हुआ है उसमें अच्छे से उनका सिलेक्शन हो और वो अपने टारगेट, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी के साथ हमने यूट्यूब के माध्यम से भी 12000 से भी अधिक विद्यार्थियों को डेली फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, उनको डेली लाइव क्लासेज देते हैं, ताकि घर बैठे लॉकडाउन के इस विपरीत समय में उनको पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। लेकिन किसी कारणवश अभी जो जेट का एग्जाम हुआ है उसमें कुछ विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, या वो जो कॉलेज चाहते थे मनचाहे कॉलेज में, मनचाहे कैंपस में उनका एडमिशन नहीं हुआ है, और इसके साथ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, नए विद्यार्थी हैं जो चाहते हैं कि हम जेट आईसीआर के नए सिरे से बिल्कुल जीरो से हम तैयारी करें, तो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम एक बिग अनाउंसमेंट करने वाले हैं, वो है आपके जेट आईसीआर का टारगेट बैच की। जी हाँ दोस्तों, श्री गोविंदम क्लासेज के ऐप के माध्यम से आपको जेट आईसीआर की कंप्लीट स्टडी तैयारी करवाई जाएगी, और इसके साथ में आपको घर बैठे ही वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो हम एक ऑफलाइन में, हम जब पढ़ाई करते हैं क्लासरूम में जाते हैं, हमें सर जो हैं वो अच्छे से पढ़ाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं वीडियोज़ के माध्यम से, उसके बाद हमें नोट्स मिलते हैं, और फिर हर संडे को टेस्ट होते हैं, फिर हमारा रिजल्ट बनता है, फिर एनालिटिक होता है, वो सारी चीज़ें। तो वही जो हम यहाँ पर ऑफलाइन में स्टार्ट करते हैं, वही कि वही हमारा पूरा ऑफलाइन का जो सिस्टम है, वही पूरा एजिटेज आपको अब घर बैठे श्री गोविंदम क्लासेज के ऐप के माध्यम से मिलेगा, जिसमें आपको बिल्कुल पढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से करवाई जाएगी। इस ऐप के माध्यम से आप अपने जेट आईसीआर के टारगेट बैच को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, इस बार अपने गवर्नमेंट कॉलेज कैंपस में जा सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, उसके बारे में आज बताता हूँ। दोस्तों, अगर हमें कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है तो हमें सबसे पहले कोई भी टॉपिक है, हमारा जो सिलेबस है जो बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया है, उसको अच्छे से समझना होता है। समझने के लिए हमें एक अच्छे मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है, जो उन रास्तों से गुजरे हुए हों और उन्होंने वो परिस्थितियाँ, वो कठिन समय से गुजरे हों, ताकि वो हमें समय समय पर मार्गदर्शित कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम का समाधान इस प्रकार से होगा, इस समय पर आप इस तरीके से तैयारी कीजिए, इस तरीके से पढ़ाई कीजिए, इस प्रकार से। और साथ में हमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। कंपटीशन एग्जाम यदि आप फाइट करना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। आप जितनी अच्छी तैयारी करोगे, जितनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, आपकी तैयारी उतनी ही बेहतर होगी। सो इसी प्रकार से श्री गोविंदम क्लासेज आपको तैयारी कराता है। गोविंदम क्लासेज के ऐप में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं। मतलब आपकी जो सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्ट जो होती है हमारी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, इनमें प्रत्येक सब्जेक्ट के, प्रत्येक चैप्टर के आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, और इसके साथ में उन वीडियो लेक्चर्स को समझ लेंगे, उन आपको ग्राफिकली समझाया जाएगा, उसके बाद आपको पीडीएफ उसके नोट्स मिलते हैं कि आपने समझ लिया लेक्चर, उसके बाद पढ़ने के लिए आपको नोट्स मिलेंगे। और खास बात यह है कि आपको ये दोनों चीज़ें जो है वो ऑफलाइन मोड में मिलती हैं। ऑफलाइन मोड में मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आप एक बार ऐप में जब कोर्स को परचेज कर लेंगे तो उसके बाद आपको ये लेक्चर जो है बार बार आपको नेट खर्च करना नहीं पड़ेगा, आपको बार बार डाउनलोड नहीं करने पड़ेंगे, एक बार ही डाउनलोड करके बिना नेट के भी आप उनको यूज कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि किसी कारणवश नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, या हम ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर नेट नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपकी क्लासेज मिस होंगी, आपको ऑफलाइन मोड में भी उन वीडियोज़ को और उन नोट्सों को आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, तो आप उनको कभी भी बिना नेट के भी आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। ओके, और जब हम अच्छे से वीडियो लेक्चर देखते हैं, क्लास को ज्वाइन करते हैं और डेली हम नोट्सों को पढ़ते हैं, तो फिर हमें कंपटीशन एग्जाम में जरूरी होता है कि हमारी प्रैक्टिस करें, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और हम अपने आप को एनालाइज करें कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या नहीं आएंगे, और अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो उसी के लिए आपको हर संडे को फिर ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर होगा। ऑनलाइन टेस्ट जो है, इसकी खास बात यह है कि आपको ये जो टेस्ट है ये उसी प्रकार से होगा, उसी पैटर्न पर होगा जिस पैटर्न पर हमारे जेट या आईसीआर का एग्जाम होता है। मतलब उतने ही उसमें प्रश्न रहेंगे सब्जेक्ट वाइज, उतना ही टाइम आवर आपको दिया जाएगा, भाई 2 घंटे का टाइम है, ठीक है, और हर क्वेश्चन का जो नंबर है वो भी उतना ही रहेगा, इतने नंबर का क्वेश्चन है, प्लस उसकी नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो भी उसी हिसाब से। तो सारी चीज़ें, पूरा जो डिजाइन किया गया है वो आपका जिस प्रकार से हमारा मेन एग्जाम होता है, वही एनवायरनमेंट, वही माहौल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हर संडे को सप्ते भर में जो भी पढ़ाया गया है, जो भी चैप्टर्स आपको यहाँ पे पढ़ाए गए हैं, उनका टेस्ट होगा। ये जो टेस्ट है वो 2 प्रकार से होंगे, ठीक है, टेस्ट जो है वो एक तो माइनर टेस्ट होंगे और एक मेजर टेस्ट होंगे।
अब ये क्या होता है, माइनर टेस्ट का मतलब होता है कि ये जो टेस्ट हैं आपके चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज होंगे पहले तो, ठीक है, कि भाई फर्स्ट वीक में आपको इतना पढ़ा है, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, तो पहले आपके चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे ताकि हर चैप्टर के आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, और फिर जैसे ही बढ़ने लगेगा सिलेबस बढ़ने लगेगा तो उसके फिर मेजर टेस्ट हुआ करेंगे, है ना। तो मेजर टेस्ट में आपको कंप्लीट सिलेबस का, हाफ सिलेबस का हो गया, या फिर 3 यूनिट का हो गया, या फिर 1 कंप्लीट यूनिट का हो गया, इस प्रकार से मेजर टेस्ट होंगे। तो ये जो टेस्ट होने वाले हैं जो हर संडे को हुआ करेंगे, ये आपके 2 प्रकार से होंगे, माइनर और मेजर, ठीक है। ये तो है संडे टू संडे, लेकिन हमें इसके साथ में डेली प्रैक्टिस की भी बहुत जरूरी होती है कि आज की क्लास में मैंने जो पढ़ा है क्या उसमें से कोई प्रश्न ऐसा है जो हमारे पिछले एग्जाम में आया हुआ है, या किस प्रकार से आज जो मैंने पढ़ा है उसमें से प्रश्न आ सकता है, क्योंकि कंपटीशन में ये माइंड हमें रखना बहुत जरूरी होता है ना भाई। एक थ्योरेटिकली जब हम पढ़ते हैं तो हमें पूरी थ्योरी रटनी होती है, याद करनी होती है, कंपटीशन एग्जाम में हमारा मेंटली हमें ऐसे प्रिपेयर होना पड़ता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार का आएगा, और क्या मैं उसको क्वेश्चन को कर सकता हूँ, कर सकती हूँ या नहीं। तो उसके लिए आपको डेली जो है लाइव क्विज होगी, लाइव क्विज मतलब आपको टॉपिक वाइज कोई भी क्विज होती है 20 क्वेश्चन की, या 10, 15, 20 या 30, 40 क्वेश्चन की, तो उसमें आपको हर टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो उस टॉपिक से पिछले एग्जामों में आ चुके हैं या आ सकते हैं उस प्रकार के प्रश्नों से आपको रूबरू कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लाइव क्विज होती है, या आपको डीपीपी भी मिल जाती है। डीपीपी क्या होती है, डेली प्रैक्टिस पेपर, कि आपने जो भी आज का टॉपिक पढ़ा उस चैप्टर में से उस टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं, जो भी 5-10 क्वेश्चन बनते हैं वो आपको डेली यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो आपको संडे टेस्ट के अलावा लैब क्विज भी मिलती है और टॉपिक वाइज डीपीपी मिलती है, जिससे आप डेली की प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पे खास बात यह है कि डेली प्रैक्टिस से आप हमारी नजर में रहोगे, हमें भी पता रहेगा कि आज बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है कि नहीं की है, और आज की क्लास में उसका क्या स्कोर चल रहा है, तो उसको फिर हम पर्सनली आगे उसी प्रकार से गाइड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है क्लासेज में या टेस्ट में या डीपीपी में या लैब क्विज में, तो उसके लिए आपके लिए डाउट सेशन रखा गया है जो लैब रहेगा, ठीक है। ये डाउट सेशन जो है वो या तो जूम ऐप पे होगा या आपके ऐप के अंदर डायरेक्ट ही लैब होगा। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ी देखो अभी क्या होता है कि कोर्स हम ऑनलाइन कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मैंने आपको सारे वीडियो एक साथ ही डाल के रख दिए, पिछले साल के पुराने जो रखे थे वो वीडियो रख दिए, और मेरे पास नोट्स बने थे पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो नोट्स मैंने डाल दिए, आपको परचेज कर लिया। अब इसमें मुझे ध्यान नहीं रहेगा कि यार आप रेगुलरली पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, आप डेली क्लास ले रहे हो नहीं ले रहे हो, और अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो आपका स्कोर क्या चल रहा है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर कोई पुरानी चीज अपलोड नहीं की जाएगी, डेली की फ्रेश कंटेंट जो है आपको अपलोड यहाँ पर किया जाएगा, पहली विशेषता। तो सेकेंड बात इंपॉर्टेंट यह है कि आपकी वीकली या वीक में 2 बार आपकी लाइव डाउट सेशन होगा आपके लिए, ये जूम ऐप पे होगा, जिसमें आप पर्सनली इंटरेक्ट हो सकते हो हमसे, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है, या किसी टर्मोलॉजी किसी वर्ड का मतलब पता नहीं, तो तुरंत आपको लाइव सेशन से कनेक्ट किया जाएगा और आपके डाउट सेशन जो है वो क्लियर किए जाएंगे, जितने भी आपके जो भी डाउट्स हैं। ये अनलिमिटेड रहेगा, इसमें ऐसा नहीं कि फिक्स आपको वैसे आधा घंटे का होता है, बट यदि हमें लगता है कि हाँ डाउट्स बच्चों के ज्यादा हो रहे हैं, आज का सेशन खत्म नहीं करना चाहिए, तो फिर नेक्स्ट लिंक सेंड कर दी जाती है आपको जूम ऐप की, या फिर ऐप के अंदर लाइव होती है तो उसमें आपके डाउट क्लियर होते हैं। क्योंकि सबसे मेन चीज होती है, हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमें डाउट आना, पहली बात तो डाउट आने चाहिए, और यदि हमें डाउट आ रहे हैं मतलब हमारी पढ़ाई सही चल रही है, और उन डाउट्स को यदि हम क्लियर कर लेते हैं तो हमारा जो एक ग्रोथ लेवल है, ग्रोथ का जो स्केल है वो बढ़ता है, ओके। सो ये सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाली हैं। ये कोर्स आपको कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, उसके बारे में ब्रीफली जानकारी दे देता हूँ। वैसे आप में से मैक्सिमम को पता है, अपने जिनको नहीं पता है अपने दोस्तों को भाइयों को तो उनको बताइए। श्री गोविंदम क्लासेस के नाम से ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना है उसके अंदर, आपका मोबाइल नंबर, आपका रियल नेम और आपकी ईमेल आईडी डाल के आपको लॉगिन कर लेना है, ओके। लॉगिन करते ही आपको ऐप जो है वो ओपन हो जाएगा, और उस ऐप में आप नीचे देखोगे, नीचे 3rd नंबर पे नीचे की तरफ स्टोर का ऑप्शन आता है, स्टोर पे ऑप्शन पे क्लिक करना। तो वहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे हमारे जितने भी कोर्स हैं, हमने 11th क्लास के कोर्स हैं, 12th के हैं, या फिर सब्जेक्ट वाइज कोर्स हैं, या टेस्ट सीरीज है, बहुत सारी चीज़ें हमने डाल रखी हैं, वो बहुत ही मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस में है, ताकि आपको ज़्यादा नहीं लगे, और वो हर बच्चे के लिए सुटेबल हैं, कि हाँ किसी को एक सब्जेक्ट पढ़नी है या फिर नोट्स ही पढ़ने हैं या टेस्ट सीरीज ही पढ़नी है, तो वो सारे कोर्स भी आप देख सकते हो वहाँ से। और आपको वहाँ पर ये बैच ये को है जो कोर्स है ये भी आपको वहाँ पे दिख जाएगा, जिसका नाम है
जेट आईसीआर टारगेट बैच 2021। और ये जो आपने इस यूट्यूब वीडियो का जो थंबनेल देखा है, ये कि ये थंबनेल आपको एज इट इज वहां पे देखने को मिलेगा, तो वहां पे उसको क्लिक करना और वहां से बाय नाउ करके आप कर सकते हो। पेमेंट की प्रोसेस है वो आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, पेटीएम वॉलेट या फोन पे वॉलेट किसी भी प्रकार से आप कर सकते हो। ओके, परचेज करते ही आपको वहां पर जो वीडियो लेक्चर्स हैं रेगुलरली आपको बैच में ऐड किया जाएगा, तो फिर आपको उसमें वीडियो लेक्चर जो डेली के मिलने वाले हैं वो मिलेंगे आपको, डेली के जो नोट्स अपलोड होते हैं वो मिलते हैं आपको, हर संडे को टेस्ट मिल जाएंगे, डीपीपी, सारी चीजें जिस तरीके से हमारी पढ़ाई होती है ऑफलाइन में, वो की वो एनवायरमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, और इतना भी अगर नहीं है तो आपको नीचे ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप की लिंक दे रखी है, आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और डायरेक्ट कोर्स की लिंक भी दे रखी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वो कोर्स को लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट उस कोर्स को वहां से परचेज कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, इस लॉकडाउन के समय में हमने कोशिश यही की है कि कम से कम प्राइस में, बहुत ही मिनिमम प्राइस में अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाया जाए और एक मिनिमम प्राइस में अच्छी से अच्छी, बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन जो है उनको दी जाए, है ना। और इस पर हम खरे भी उतरे हैं, काफी बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा है। पिछले हमारे ऑफलाइन की यदि हम बात करते हैं तो 12th एग्रीकल्चर का जो रिजल्ट था 94.20% बने हैं हाईएस्ट, और 100% हमारे कोचिंग संस्थान का रिजल्ट रहा है। उदयपुर संभाग को टॉप किया है 4 बच्चों ने, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो रिजल्ट जो है हमारा अच्छा रहता है क्योंकि हम मेहनत करते हैं और साथ में आप लोगों का प्यार, और आप भी मेहनत करते हो। सो उम्मीद करते हैं कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे और इस ज्वाइन करके आप अपनी पढ़ाई जो है, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकेंगे। जेट आईसीआर का कोर्स है, क्योंकि इस समय पर थोड़ा सा विपरीत समय चल रहा है, नवंबर दिसंबर तो हो चुका है तो समय हमारे पास कम है, तो जल्दी से डिसीजन लेके इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी पढ़ाई को रेगुलर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय किसी का भी वेट नहीं करता है। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री कृष्ण।